दो गुटों में बट गई थी टीम इंडिया, तब गवाना पड़ा था वर्ल्ड कप। पूर्व कोच ने अपनी किताब में किया खुलासा, भारत की डूब गई थी आशा। सोशल मीडिया पर हो गया था साफ, दो दिग्गज अब नहीं करेंगे एक दूसरे को माफ। रोहित और कोहली के बीच छिड़ी थी जंग, रवि शास्त्री भी देखकर रह गए थे दंग। कहते हैं ना, दिखाने की चाहे जितनी भी कोशिश की जाए कि सब ठीक है, झूठी मुस्कान नजर आ ही जाती है। देर सवेर दिख भी जाता है कि क्या चल रहा है। भले ही लाख दावे किए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दौर तो अब सोशल मीडिया का है, भला कोई बात छुपी भी कैसे रह सकती है। एक समय था जब टीम इंडिया दो धड़े में बट गई थी, दो दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने थे। रिश्ते इस कदर खराब हो रहे थे कि इसका सीधा असर टीम पर पड़ रहा था, खामियाजा भी टीम भुगत रही थी। ये वो वक्त था जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे टीम इंडिया के दिग्गज आमने सामने थे, एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा न था। मीडिया में तो दोनों ही खिलाड़ी मुस्कुराते रहे, लेकिन पीछे कोई और ही खेल चल रहा था। ड्रेसिंग रूम के बिगड़े माहौल पर तमाम खबरें आ रही थी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर हिटमैन और किंग कोहली ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। कभी जिगरी यार रहे, अब दुश्मन बनने के लिए तैयार थे। इन सभी बातों का टीम इंडिया के पूर्व कोच आर श्रीधरन ने अपनी एक किताब में खुलासा किया है। वैसे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच अनबन की कई खबरें आ चुकी हैं। कुछ साल पहले की बात है जब दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। उसी वक्त ये सवाल होने शुरू हो गए थे कि टीम इंडिया दो खेमों में बट चुकी है। वहीं टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने साफ लिखा है, ये मामला ज्यादा गंभीर हो जाता इससे पहले रवि शास्त्री ने इसे अच्छे तरीके से संभाल लिया। भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी किताब कोचिंग बियॉन्ड में ये लिखा है कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ हुआ, जब सेमीफाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों हार गई। इस हार के बाद तमाम बुरी खबरें आने लगी। हमें ये पता चला कि टीम दो गुटों में बट गई थी, एक गुट रोहित का था तो दूसरा गुट विराट का। ये भी सुनने में आया था कि सोशल मीडिया पर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। लेकिन फिक्र तो इस बात की थी कि अगर इन चीजों को खराब होने दिया जाता तो और भी परेशानी का सबब बन सकती थी। आर श्रीधर ने लिखा, हम लॉर्डर हिल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वर्ल्ड कप के लगभग 10 दिन बाद US में उतरे। रवि शास्त्री ने यहाँ पहुंचते ही सबसे पहला काम किया वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक कमरे में ले गए और समझाया कि टीम इंडिया के लिए दोनों की एकजुटता काफी जरूरी है। उन्होंने अपने ही ठेठ अंदाज में कहा कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हुआ वो तो ठीक है, लेकिन आप दोनों टीम के सीनियर क्रिकेटर हैं, इसलिए ये सब अब बंद होना चाहिए। आप दोनों सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए एकजुट हो जाएंगे। जिन्होंने हालात को अपने काबू में कर लिया, इसके बाद धीरे धीरे दोनों ही खिलाड़ियों के संबंधों में सुधार हुआ। खराब फॉर्म में दोनों ने ही एक दूसरे का खूब समर्थन किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की चाय जीत का जश्न मनाना हो, रोहित विराट की बॉन्डिंग साफ तौर पर नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।